सर आइजैक न्यूटन ने एप्पल गिरता हुआ देखा और ग्रेविटेशनल थ्योरी की खोज हुई। एक ऑनलाइन बुक स्टोर चलाने वाला बंदा वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान बन गया और कुछ कॉलेज ड्रॉपआउट्स ने एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बिलियन डॉलर कंपनी बना ली। वेल, क्यों इन्हीं लोगों के आइडियाज आज ग्रेट आइडियाज की लिस्ट में है? और क्या ग्रेट आइडियाज सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही आते हैं? चलिए आज समझते हैं ग्रेट आइडियाज के पीछे की साइंस को और कैसे आप खुद को अच्छे आइडिया सोचने के काबिल बना सकते हैं। हे मनुष्य, आप सबका स्वागत है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग यूट्यूब चैनल मनुष्य में। आज है डे 13 ऑफ 1000 आवर लर्निंग मैराथन और हमने स्पेंड किए हैं 5 hours and 45 minutes इन लर्निंग। हैव अ लुक। हम में से काफी लोगों को लगता है कि उन्हें अच्छे आइडियाज इसलिए नहीं आते क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है। इन लोगों का मानना है कि कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग क्रिएटिव नहीं होते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी नेचुरली उतने ही क्रिएटिव हैं जितना क्रिएटिव अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स रहे हैं। इन शॉर्ट, सच्चाई ये है कि हम सब क्रिएटिव है। बट द क्वेश्चन इज, ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनका मानना है दैट प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज एक प्रोसेस है, जस्ट लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनी मटीरियल। अकॉर्डिंग टू जेम्स वेब यंग, जो कि एक बहुत ही मशहूर किताब के लेखक है, The production of ideas is just as definite a process as the production of foods. जैसे कि manufacturing process में एक automotive part assembly line के through travel करता है और modified और assembled होके एक meaningful car का रूप लेता है, वैसे ही हमारे दिमाग की assembly line में कुछ simple और unfurnished observations travel करती हैं। जब आप इन observations को properly research करते हैं और इन्हें एक physical form में represent करने की कोशिश करते हैं, तब आपको उनमें कुछ meaningful relation दिखता है। इन रिलेशंस को प्रॉपरली इवेलुएट एंड प्रोसेस करने के बाद आपको एक वर्केबल आइडिया जनरेट हुआ महसूस होता है। कोई भी आइडिया और कार रिलायबल और इफेक्टिव है कि नहीं, ये तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उसे एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं कर लेते। पार्ट्स ऑफ ब्रेन दैट आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिव थिंकिंग। साइंस हमें अभी तक ये नहीं बता पाया कि हमारे दिमाग में एग्जैक्टली होता क्या है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ब्रेन के काफी पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं। पर दोस्तों, चलिए हमारे दिमाग की असेंबली लाइन को समझने की कोशिश करते हैं जहां से हमारी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होके एक अल्टीमेट आइडिया का रूप लेती है। नंबर 1, द अटेंशन कंट्रोल नेटवर्क। ये हमारे दिमाग का वो नेटवर्क सिस्टम है जहां हम हमारी ऑब्जर्वेशंस को कॉन्शियसली नोटिस करते हैं और उसे फोकस और कॉन्सेंट्रेट होके देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। नंबर 2, द इमेजिनेशन नेटवर्क। ये हमारे दिमाग का वो नेटवर्क सिस्टम है जहां हम हमारी ऑब्जर्वेशंस के बारे में मेंटल इमेजेस बनाते हैं। ये हमें हेल्प करता है फ्यूचर सिनेरियो को इमेजिन करने में और पास्ट के ऑब्जर्वेशंस को याद रखने में। नंबर 3, द अटेंशनल फ्लेक्सिबिलिटी नेटवर्क। ये वो नेटवर्क सिस्टम है जो हमारी ऑब्जर्वेशंस को एंड मेंटल इमेजेस को मॉनिटर करता है और इन दोनों नेटवर्क में से किस नेटवर्क पे फोकस करना है वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। हाउ टू ट्रेन आवर ब्रेन फॉर आइडिया जनरेशन। हमारे दिमाग को न्यू आइडिया जनरेट करने के लिए ट्रेन करना एक टाइम कंज्यूमिंग स्किल है, विच रिक्वायर आवर एफर्ट्स एंड टाइम। जेम्स वेब यंग ने दो प्रिंसिपल बताए हैं टू प्रोड्यूस गुड आइडियाज। प्रिंसिपल 1 कहता है, एन आइडिया इज नथिंग मोर और लेस ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एलिमेंट, अर्थात एक नया विचार पुराने तत्वों के नए संयोजन से बनता है। प्रिंसिपल 2 कहता है, द कैपेसिटी टू ब्रिंग ओल्ड एलिमेंट्स इनटू न्यू कॉम्बिनेशन लार्जली डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप, अर्थात पुराने तत्वों को नए संयोजनों में लाने की क्षमता काफी हद तक रिश्तों को देखने की क्षमता पर निर्भर करती है। स्टेप 1, रिसर्च। हमें सबसे पहले अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की हैबिट डालनी पड़ेगी सो डेट हमारा दिमाग उन इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ सोच सके। रिसर्च योर इंडस्ट्री एंड आइडेंटिफाई सम बेसिक प्रॉब्लम्स। कलेक्ट करें कुछ रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल का काम करें टू जनरेट फ्रेश आइडियाज। स्टेप 2, ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। अब जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उनकी मदद से हमारी ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग में रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करें। डोंट अज्यूम एनीथिंग विदाउट प्रूफ। अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन कीजिए सो दैट आप अपनी फाइंडिंग में न्यू रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। स्टेप 3, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये सबसे हार्ड और इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडिया। इसे साइंस और हार्वर्ड जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज ने भी एक्सेप्ट किया है। इस स्टेप में हम हमारे कॉन्शियस माइंड को दूसरे टास्क जैसे स्लीपिंग, शावर, एक्सरसाइज में इंगेज करते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियसली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन में रिलेशनशिप ढूंढने लगता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेप इज स्टेप अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, गो फॉर अ रन,
sleep on it, and you'll give your subconscious mind a chance to form a new connection or a new idea. Step 4, the aha moment. James Webb Young ka kehna hai, an idea will come to you when you are least expecting it. While shaving, bathing, or most often when you are half awake in the morning. It may awaken you in the middle of the night. मंजे आप ऊपर के 3 स्टेप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आइडिया आपके दिमाग में कभी भी जन्म ले सकता है। सोते वक्त, नहाते वक्त कभी भी आइडिया आपके जहन में आ सकता है। जब भी आइडिया जनरेट होता है, तब हमारे लिए एक आहा मोमेंट क्रिएट होता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का कहना था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। व्हेन यू आस्क क्रिएटिव पीपल हाउ दे डिड समथिंग, दे फील अ लिटिल गिल्टी बिकॉज दे डिडंट रियली डू इट। दे जस्ट सॉ समथिंग, इट सीम ऑब्वियस टू देम आफ्टर अ व्हाइल। मैं इस बात से स्ट्रांगली अग्री करता हूँ, क्योंकि 21st सेंचुरी के इस तेज जमाने में किसी भी चीज पर लंबे समय तक रिसर्च करने से बेटर है कि आप उन लोगों को फॉलो करें जिन्होंने उस पर ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ है। उन्हें पढ़े, समझे, परखे और अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़कर उसे और आगे ले जाए। जिनकी वजह से वो पॉसिबल हो पाया है, उन सभी को उस काम का क्रेडिट दें। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल मनुष्य को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो खुद को कम क्रिएटिव समझते हैं। कल दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बी क्रिएटिव। जय हिंद।